letter G, letter G. Look at me, I'm letter G, letter G, letter G. Look at me, I'm letter G. Look at me, I'm letter G. Letter G, letter G. Look at me, I'm letter G, letter G, letter G. Look at me, I'm letter G. Look at me, I'm letter G. Coat, garden, glasses, glue, globe, gift, girl and goose, gorilla, gloves, guitar, gate, grizzly, grasshopper, grape. G, letter G, look at me, I'm letter G, letter G, letter G, look at me, I'm letter G, look at me, I'm letter G. Letter G, letter G, look at me, I'm letter G, letter G. Letter G, look at me, I'm letter G. Look at me, I'm letter G. Goat, garden, glasses, glue, globe, gift, girl and goose, gorilla, gloves, guitar, gate, grizzly, grasshopper, grape. Letter G, look at me, I'm letter G, letter G, letter G, look at me, I'm letter G, look at me, I'm letter G. Letter G, letter G, look at me, I'm letter G, letter G, letter G, look at me, I'm letter G. Look at me, I'm letter G. Look at me, I'm letter G. Good morning, students. Today we are going to learn letter G. See, I have drawn here red and blue line. अब आपको red and blue line का तो concept पता चल गया है कि we have to use only three lines. So today we are going to write letter G. G for gun. You know, आप लोग gun toy वाली gun से खेलते हो? Yes. So we are going to write letter G. We will start with red line. Red line से start करेंगे. First we have to make C. आपको C बनाना आता है ना? First we have to make half circle. That is C. रेड ब्लू लाइन तक आप लोग को सी बनाना है. आफ्टर मेकिंग सी आपको ये सी को रेड ब्लू लाइन पे टच करके अप लेके जाना है. देन यू हैव टू गो लेफ्ट साइड. आपको लेफ्ट में लेके जाके स्लीपिंग लाइन करना है. देन अगेन आपको लेफ्ट से राइट लेके जाके ऐसे डाउन. दिस इज द लेटर जी. ये वॉट है, ये क्या है? ममा जी. दिस इज ममा जी. अगेन फर्स्ट वी विल मेक हाफ सर्कल, गो अप लेफ्ट साइड स्लीपिंग लाइन, अगेन वापस जाना है, देन कम डाउन एंड स्टॉप. दिस इज द लेटर जी. हाफ सर्कल, गो अप, मेक अ स्लीपिंग लाइन, गो राइट, देन डाउन एंड हियर टेक अ स्टॉप. दिस इज लेटर जी. हाफ सर्कल, अप, लेफ्ट, राइट एंड डाउन.
दिस इज लेटर जी. अगर आप लोग ऐसा लिखते हो हाफ सर्कल, फिर अप जाना है, मेक अ स्लीपिंग लाइन, देन मेक दिस, दिस इज ऑल्सो राइट. बट हमारे बुक में ऐसा नहीं लिखना है, हमारे बुक में ये वाला जी लिखना है. सो दिस इज राइट. नाउ दिस इज मम्मा जी एंड नाउ वी विल राइट बेबी जी. बेबी जी हम लोग लिखेंगे दिस थ्री लाइन्स. फर्स्ट मम्मा जी में हम लोग ने स्टार्टिंग के थ्री लाइन्स यूज किए हैं, सो बेबी जी में हम लोग नीचे के थ्री लाइन्स यूज करेंगे. फर्स्ट मेक अ हाफ सर्कल, गो अप देन डाउन एंड कर्व. हाफ सर्कल अप डाउन कर्व. आपको बीच में कहीं पे भी पेंसिल को स्टॉप नहीं करना है. यहाँ पे ऐसे हाफ सर्कल करके फिर स्टैंडिंग लाइन करके ऐसे आपको नहीं करना है. ये राइट है लेकिन आपको पेंसिल को स्टॉप नहीं करना है. आप लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया ना, यू हैव टू टेक हाफ सर्कल, गो अप, कम डाउन एंड कर्व. मैंने यहाँ पे कहाँ पे भी पेन को स्टॉप नहीं किया है, वैसे ही आपको पेंसिल को भी स्टॉप नहीं करना है. हाफ सर्कल अप डाउन, रेड लाइन को टच करके ही कर्व बनाना है. अगर आप लोग ने इसे ब्लू लाइन में किया और लाइन को छोटे से टच नहीं किया, देन दिस इज wrong. You have to touch this red line and make a curve. अभी हम लोग मम्मा जी एंड बेबी जी को साथ में लिखेंगे. मम्मा जी एंड बेबी जी. मम्मा जी एंड बेबी जी. हाफ सर्कल, गो अप, लेफ्ट राइट डाउन एंड हाफ सर्कल डाउन एंड कर्व. मम्मा जी एंड बेबी जी. दिस इज जी फॉर गन, जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर गर्ल. सो मेनी वर्ड्स स्टार्टिंग विद जी. सो दिस इज अवर लेटर जी.